हेलो गाइस, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमहा की स्कूटर जूमा 125 के बारे में। इस बाइक में क्या कुछ खास है जो इस बाइक को और भी स्कूटर से अलग बनाती है, प्राइस कितना है, माइलेज क्या देती है एंड ये बाइक इंडिया में कब लॉन्च होने वाली है। तो अगर आप इस स्कूटर के बारे में सारे डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप वीडियो पर बने रहिए। यमहा जूमा 125 स्कूटर को फर्स्ट टाइम इस सितंबर 2008 को यमहा मोटर कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद इसको 2016 में अपडेटेड वर्जन को लाया गया और अब इसका एक रफ एंड टफ एडवेंचर स्कूटर 2021 में अपडेट कर दिया गया है। जहाँ तक मुझे पता है अभी तक 125 सीसी के स्कूटर में शायद ही किसी कंपनी ने अपना एडवेंचर स्कूटर निकाला हो। यूनाइटेड स्टेट में इसको यमहा जूमा 125 के नाम से जाना जाता है, या आप कह सकते हैं कि इसको यूएस में जूमा 125 का नाम दिया गया है। यूएस को छोड़कर ये बाइक दूसरे देशों में यमहा BWS 125 के नाम से जाना जाता है, मतलब यमहा ने इसको BWS 125 के साथ इस बाइक को लॉन्च किया है। अगर लुक को देखें तो ये स्कूटर काफी मस्कुलर लगता है। आपने छोटा पैक बड़ा धमाल का नाम सुना ही होगा, ये बिल्कुल सही बैठती है इस 125 सीसी स्कूटर पे। ये स्कूटर BMW की R1250GS एडवेंचर से इंस्पायर्ड है। BMW की 1250GS एडवेंचर काफ़ी महंगी बाइक है, बट वही चीज़ यमहा अपने BWS 125 में दे रही है। ये एक कॉम्पैक्ट स्कूटर है एडवेंचर के लिए। जूमा 125 में आप ऑफ रोडिंग आराम से कर सकते हैं। इसमें मोटे ऑफ रोड टायर हैं, बड़ा सा हेडलाइट है, टेल रैक भी इसमें मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये एक ज़बरदस्त स्कूटर है। इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। इस स्कूटर में 125 सीसी का लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOSC 4 valve FI वाला इंजन यूज किया गया। साथ ही ये स्कूटर VVA और TCA जैसे टेक्नोलॉजी से लेस है, जिससे आपको ओवरऑल अच्छा पावर आउटपुट एंड डिलीवरी मिल सके। इस स्कूटर में ट्विन पोर्ट हेडलैम्प है, जिसको आप अपने हिसाब से लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। बल्कि फेयरिंग एंड न्यू बॉडी पैनल है। जूमा 125 में आपको 12 इंच का व्हील दिया गया है और इसके साथ ही आपको ऑफरोड टायर तो मिलता ही है। ये एडवेंचर स्कूटर स्टील ट्यूब फ्रेम चेसिस के साथ आती है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर सस्पेंशन है और रियर में डुअल शॉक ऑब्जर्वर को लगाया गया है, जिसमें फ्रंट में 3.2 इंच का और रियर में 3.1 इंच का सस्पेंशन ट्रेवल है। सीट हाइट 30.9 इंच है और इसका जो सीट का शेप है वो नैरो है, जिसे आप आराम से राइड कर सकते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में भी ये स्कूटर काफी आगे निकल जाती है। फ्रंट में 245mm का सिंगल डिस्क के साथ डुअल पिस्टन कैलिपर दिया गया है और रियर में 230mm का सिंगल डिस्क के साथ सिंगल पिस्टन कैलिपर दिया गया है। फ्रंट में अगर इसके टायर साइजेस की बात करें तो 120x70 12 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं। रियर में 130x70 12 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं। और वहीं पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 6 लीटर का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, जिसमें आपको 43 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। इसमें अंडर सीट स्टोरेज कंपार्टमेंट भी काफ़ी बड़ा मिलता है, जिसमें आप अपना फुल फेस हेलमेट आराम से रख सकते हैं। और साथ ही इसमें USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। और अगर वहीं बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें आपको जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटल यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। इसमें सेंटर स्टैंड मिल जाता है और साथ ही इसमें 2 हेलमेट हैंगर भी लगा हुआ मिल जाता है। ओवरऑल ये स्कूटर बेस्ट हो सकती है जिनको एक कम बजट में एडवेंचर मोटरसाइकिल चाहिए। तो वहीं अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका इंडिया में एक्सपेक्टेड प्राइस 2.57 लाख है। और अगर इसके लॉन्च डेट की बात करें कि इसका इंडिया में कब लॉन्च होगा, इंटरनेशनल मार्केट में ये लॉन्च हो चुकी है, बट अगर इसके इंडिया में लॉन्च डेट की बात करें तो ये बाइक इंडिया में शायद लॉन्च नहीं होगी। इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी कॉस्टली है, और सेकेंड रीज़न है कि यमहा की इंडिया में ZR125 अवेलेबल है, तो ये स्कूटर शायद ही इंडिया में लॉन्च होगी। तो दोस्तों, यही अपडेट अभी निकल कर आ रहा था जूमा 125 के बारे में, जिसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। दोस्तों, मुझे 2-3 ही स्कूटर पसंद आते हैं, जैसे एक TVS का हो गया, एंटोर्क और एक अप्रीला का है, और ये जो जूमा 125 है। इन तीनों में से तो मुझे जूमा 125 सबसे ज़बरदस्त स्कूटर लगती है। क्या अब स्कूटर बनाया है भाई, रफ एंड टफ स्कूटर है। ऑफ रोड टायर देख लो, डिज़ाइन देख लो, हेडलाइट देख लो, ओवरऑल ये स्कूटर मुझे काफ़ी पसंद आया पर्सनली। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्कूटर कैसा लगा है। अगर बाय चांस इंडिया में ये कभी लॉन्च होती है तो क्या आप इसको लेना पसंद करेंगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था स्कूटर को लेकर अपडेट, और ऐसे ही बाइक रिलेटेड न्यूज अपडेट वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। या यूट्यूब से पहले अगर आपको कोई भी अपडेट बाइक रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का ID है मेरा राइड विद बाइक रजत, आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप एक क्लिक से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।